हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन एट योर होम्स। बच्चों, आज मैं आपको क्लास इलेवेंथ में सेंटेंसेस बता रहा हूँ पार्टिसिपेट में कि सेंटेंसेस किस प्रकार से जुड़े जाते हैं, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको ठीक से समझिएगा पार्टिसिपेट में। तो जैसे आपको बताया कि पार्टिसिपेट आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि तुरंत काम होता है। एक तो बात इससे होती है कि तुरंत काम हो, दूसरा क्या होता है किसी कर्म का कोई कार्य जब दूसरे बात में देखे तो उसको तुरंत जोड़ देते हैं, और तीसरा क्या होता है कि कारण वाली बात होती है तो कारण वाली बात में कुछ सीधे बीइंग लगता है। तो इसको देखिए सेंटेंस, वी सॉ सम ग्रेप्स, हमने कुछ अंगूरों को देखा, दे वर हैंगिंग इन अ वाइन, वो एक लता में यानी एक बेल में लटके हुए। तो यहाँ पर देखो कि एक तो वर्ब लिया है और इधर वर्ब लिया है, तो अब क्या है कि वो सेंटेंस हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखो कोई ऐसी बात तो नहीं कि सीइंग सम ग्रेप्स दे वर, तो गलत है, बीइंग भी हो यानी हो सकता है। तो फिर अब क्या हुआ, जो प्रथम वाक्य पहला वाक्य है इसका कर्म का माने ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और इसका काम कहाँ पर है, ये काम देखिए यहाँ पर हैंगिंग, जो खुद एक अपने आप में पार्टिसिपल है। तो जब किसी बात को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रथम वाक्य कर्म का कार्य दूसरे वाक्य में होता है तो उसमें उसे तुरंत जोड़ देते हैं। तो हमारा नया वाक्य क्या बनेगा, सम ग्रेप्स हैंगिंग इन अ वाइन, वी सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग इन अ वाइन। तो ये चीज यहां से हट जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको सिक्स चीज इसकी होगी। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, वी आर फिनिश्ड अवर वर्क, वी विल टेक अ रेस्ट, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, हम आराम करेंगे। तो ये सेंटेंस हमें क्या शो करता है, ये शो करता है परफेक्टनेस, वी आर फिनिश्ड अवर वर्क, वी विल टेक अ रेस्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्टनेस शो करता है कि काम की पूर्णता, जब काम पूर्णता शो करता है तब हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करते हैं, हैविंग अवर वर्क, हैविंग फिनिश्ड अवर वर्क, वी विल टेक अ रेस्ट। तो इसमें पहचान क्या होती है के बाद के पश्चात, हैविंग फिनिश्ड अवर वर्क माने अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात हम आराम करेंगे। तो ये बना आपको किससे, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे कि किससे बन रहा है, प्रेजेंट से बन रहा है, पास्ट से बन रहा है, परफेक्ट से। तो है वर्ब तो लगा हुआ है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, इससे मतलब परफेक्ट तो यह है। मान लीजिए कि है नहीं होता, केवल फिनिश्ड होता तब भी कार की पूर्णता को दर्शा रहा है, तब भी ऐसे बनना है फिनिश्ड अवर वर्क, वी विल टेक रेस्ट। तो आई थिंक दोनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए बच्चों, दो सेंटेंस ये, ही वॉज टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक एनीमोर, वो थका हुआ था, वो और ज्यादा अपना काम नहीं कर सकता। तो काम ना कर सकने का परिणाम क्या था, कारण क्या था, कारण ये था कि थकावट हुआ। तो जब इस प्रकार से हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस प्रकार से ये जैमार बार बार सेंटेंस आएंगे, इनको हम किसमें बदल देते हैं, बीइंग में। तो बीइंग टायर्ड, सब्जेक्ट समान होने पर सब्जेक्ट दो बार लिखते हैं, देखिए इसमें ये और ये समान, तो एक बार लिखते हैं, बी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक एनीमोर, थके होने के कारण वो और ज्यादा
नहीं चल सकता था। अब अगला सेंटेंस देखो, रमेश वाज हंग्री, रमेश भूखा था, ही कुड नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली, वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सका। तो भूखे होने का परिणाम क्या निकला कि कार्य ढंग से नहीं कर सका। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, रमेश एक नाम है और यहाँ पर ये दिया है, एक नाउन एक प्रोनाउन। जब एक नाउन और एक प्रोनाउन सेंटेंस में आए तो नाउन को दर्शाते हैं पहचान के लिए, तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री। अब यहां पर क्या लिखेंगे, रमेश, क्योंकि रमेश से क्या होगी, आइडेंटिटी पहचान होगी, वो यहां पर ही था इसलिए ही बार लिखा है यहां पर, लेकिन यहां पर नाम है, तो रमेश कुड नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस बने। तो आई थिंक बोथ सेंटेंसेस आपके दो ये और दो पहले आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इनको आप कर लें और स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप भेजें। थैंक्स फॉर टुडे।